कोशिश करिए, देखिए आपके बच्चेदानी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी किसी का बच्चा नुकसान हो जाता है, उनको आप इस्तेमाल करा दीजिए कंटिन्यू, तो उनका जितना गंदा ब्लड रहेगा सब निकाल के बाहर कर देगा। कभी कभी होता है ना, सफैया वफैया होता है, कड़ रुक जाता है, बच जाता है, फिर बच्चा जल्दी रुकता नहीं है, लेकिन ये साफ कर देगा। जितना गंदा ब्लड रहेगा वो निकाल देगा, फिर जो आपकी मंथली होता है वो सही से टाइम टाइम से आएगा। ये चीज है, ये देखिए थोड़ा बड़ा साइज है भाई, ये पानी जाके देखा। अब ये सब सोख लेगा, ऑब्जर्व कर जाएगा। इसमें जब ये हम लोग जब मार्केट का सैनिटरी पैड यूज करते हैं तो देखिएगा ये 24 घंटा गीला रहता है, गीला रहता है ना मार्केट वाला। जब गीला रहता है तो दांत, खाद, खुजली, निनाव, जैसे हमारे जीभ पे निनाव निकलता है ना, वैसे हमारे बच्चेदानी में भी निनाव होता है। जो अंदरूनी पार्ट है जहाँ बाथरूम करती हूँ वहाँ भी निनाव होता है। क्यों होता है? जब ये गीला रहता है वहाँ, जब आप लगाए रहेंगे और 24 घंटा आपका बच्चेदानी गीला चीज में ही रहेगा तो क्या होगा? अब ये पानी है, ऐसे हम उंगली इसमें एक घंटा ही, ज़्यादा नहीं, एक घंटा डाले रहेंगे तो उंगली का कलर कैसा होगा? कैसा होगा? फूल जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो ये बताइए, 4 दिन 5 दिन आप लोग कंटिन्यू मार्केट का सैनिटरी पैड लगाती हैं और गीला रहता है तो बच्चेदानी सड़ेगा नहीं? अब याद ध्यान दीजिएगा, मार्केट का पैड बड़ा तेज बदबू करता है ना, इसी कारण से। और इसको आप लगा लीजिए, कहीं से भी आपका बदबू नहीं करेगा। आप इसको छू के देख सकती हैं एकदम, देखिए कहीं से भी पानी नहीं निकल रहा, निकल रहा देखिए। रगड़ने पे वो तो गीला मुड़ जाता है, देख रही है वाला इतना रगड़ने पे अभी वो रहता, उसका रुई गोलिया जाता, ऐसे करते फट जाता। लेकिन ये देखिए सिकुड़न हो जाता है, कितनों भी दाबिए जितना पास जांगर हो, अभी जितना ये पानी है ना इसमें 150 ml आप इसको सुखा दीजिए, ये सोखता चला जाएगा लेकिन इसमें से बाहर नहीं आएगा, ये फूलेगा। फूलेगा नहीं, फूलेगा लेकिन पानी आपका बाहर नहीं फेंकेगा। निकल रहा पानी बाहर,